और क्या लिया है करिया तो? अरे बंदूक। देख लग जाएगा, वो निकला है, लग जाएगा, लग जाएगा। अरे सुभाष साहब देखो यहाँ बीच रास्ते में गाड़ी फिलहाल हम लोग के आके खड़ी हो गई है। दादी ये तो तेल ही खत्म हो गया, आप क्या करेंगे? तो भाई साहब आप लोग पूछ रहे हो काफ़ी दिन से कि आपके म्यूज़िक वीडियो का आखिर में क्या हुआ और मतलब कुछ अपडेट नहीं आ रहा, तो एक्चुअली मैं सीन बता दूं भाई। सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द आवर चैनल मोहम्मद इरफान व्लॉग्स। तो भाई साहब अभी सुबह के बज रहे फिलहाल 11 और अभी फिलहाल नहा धो के रेडी हो चुके हैं। एक्चुअली अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल दादी को लेके, और क्या सीन है भाई, उनका जो है दवा चल रहा था, सो दवा अभी ख़त्म हो चुका है। तो अभी डॉक्टर ने बोला था भाई साहब उनका दवा ख़त्म होने के बाद में उनका एक चेकअप होगा, तो शायद आज उनका है एक फाइनल चेकअप, तो वो कराने के लिए फिलहाल अभी हम चल रहे हैं आज हॉस्पिटल। सो चलो थोड़ा पहले कुछ खा लेते हैं, उसका फिर निकलते हैं। सो भाई और आप लोग रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा दिखा रहे हो भाई साहब, ऐसा ही प्यार सपोर्ट बनाए रखो। और फिलहाल चलो और आज का ब्लॉग फिर स्टार्ट करते हैं भाई साहब। सो फिलहाल भाई साहब अभी देखो हम जा रहे हैं थोड़ा सा सब्जी और चावल खाएंगे और फिर निकलते हैं हम लोग। नाश्ता वास्ता किया? हाँ क्या खाया? हाँ हाँ अच्छा, चाय और खाना खाया है, वाह चलो सही है। फिलहाल गाइस देखो दादी भी यहाँ पे बैठी हुई है, दादी चलें अब, चलो चलो चलते हैं फटाक से फिर वापस आते हैं। सो भाई साहब इसमें रही दादी की पूरी रिपोर्ट जो है, तो फिलहाल अभी इसको लेके चलते हैं। चलो लेके आ रहा हूँ मैं गाड़ी। सो भाई साहब हॉस्पिटल के लिए हम घर से निकले ही कि बीच रास्ते में गाड़ी ने फिलहाल धोखा दे दिया। एक्चुअली क्या सीन है कि इसमें पेट्रोल ही नहीं है, बताओ। अब यहाँ दूर दूर तक कोई कुछ नहीं दिख रहा है, देखो ये दादी ये तो तेल ही खत्म हो गया, आप क्या करेंगे? उससे पूछा हूँ तो बोला कि हाँ है मेरे गाड़ी में तेल, देखो यहाँ पे आके खड़ी होगी बीच रास्ते में, ना इधर कुछ है ना इधर कुछ है, खेत के बगल में आके खड़े हुए हैं। अब चलो चलते हैं लेके कहीं पे, इसको देखते हैं अभी आगे, आगे थोड़ा सा है, चलो देखते हैं अभी। चलो दादी को भी भाई सब पैदल चलना पड़ रहा है, वाह ढकेलते हुए लेके चलो। चालू नहीं हो रही है भाई, एकदम तेल इसका ख़त्म हो चुका है, एकदम चूस लिया गया है तेल इसका। सो भाई साहब एक दुकान था फिलहाल, अभी मैंने देखो यहाँ से ले लिया पेट्रोल, अच्छा हुआ कि मिल गया भाई, बहुत अच्छी बात है भाई। सो फिलहाल अभी इसको हम डालते हैं, अरे भाई गिरना नहीं, उतने में इतना गिर गया, वाह चलो पेट्रोल पंप तक कम से कम जाएगी तू, चलो फटाक से निकलते। अरे अब ये क्या सीन, अच्छा हाँ हो गया, चलो बैठो फटाफट चलो निकलते। सो भाई साहब अभी हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल, फिलहाल ये निकालते हैं। दादी आज तो काफ़ी तगड़ा फंस गए थे हम लोग, पेट्रोल ख़त्म हो गया था, अच्छा हुआ कि एक दुकान मिल गई और मिल गया पेट्रोल। हाँ अगर नहीं मिलते वो भाई तो मिलता भी नहीं, वो भाई से पूछे तो उन्हें बताया। चलो चलते हैं अंदर, चलिए भाई साहब सारा चेकअप हो चुका है कम्प्लीट और दवा ववा मिल चुका है, फाइनल रिजल्ट भी मतलब हो चुका है, सब सही है। हाँ दादी चलो अब चलते हैं फटाफट घर पे, दवा भाई साहब ढेर सारी दवा है इसमें, चलो फटाफट निकलते हैं भाई साहब घर पे और आप लोग सब घर पे ही मिलते हैं। ये क्या यार बताओ, ऑन ही नहीं हो रहा पता नहीं क्यों। तो भाई साहब अभी हम आ चुके हैं घर पे, और क्या लिया है करिया तू? बंदूक। अरे देख लग जाएगा, वो निकला है लग जाएगा, लग जाएगा। अरे यहाँ मार के दिखा, यहाँ नीचे निकला ही नहीं, ओ भाई साहब कहाँ गया, ला मैं मार के दिखाऊं, ला मारूं मैं, जानता कहाँ मारूंगा, जानता जानता कहाँ मारूंगा, तेरे थोबड़े पे, तेरे थोबड़े पे ऊपर चल जाएगी, वाह। तो भाई साहब आप लोग पूछ रहे हो काफ़ी दिन से कि आपके म्यूज़िक वीडियो का आखिर में क्या हुआ और मतलब कुछ अपडेट नहीं आ रहा, तो एक्चुअली मैं सीन बता दूं भाई
कि अभी तक तो मेरा सॉन्ग जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मतलब म्यूजिक ही नहीं बना है, तो सॉन्ग कहाँ से रिकॉर्ड होगा, और जो सॉन्ग रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिलहाल म्यूजिक वीडियो कहाँ से बनेगा। आई थिंक मुझे डमी जो है अपना दिए हुए आई थिंक 15-15 दिन हो गया, लेकिन अभी तक म्यूजिक एक परसेंट भी म्यूजिक बना नहीं है। तो अभी मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊँगा दूसरे वाले स्टूडियो पर, मतलब वो भी मेरे दोस्त का ही है, तो फिलहाल मैं जाऊँगा दूसरे वाले स्टूडियो पर। सो मैंने वहाँ पर बात बात किया फ़ोन से, तो वो बोल रहे थे कि जब तुम्हारा मन करे तब तुम चले आओ, तो एक्चुअली मैं कल या परसों में जाऊँगा वहाँ स्टूडियो पर और अपना जो है डमी दे के आऊँगा। तो उसने बोला है कि मतलब मैं जल्दी बना के दूंगा भाई, अब तो देखो फिलहाल क्या होता है। तो ये सीन हो रहा भाई मेरे साथ में कि अभी फिलहाल इसीलिए मतलब म्यूज़िक वीडियो का कुछ अपडेट नहीं मिला है। तो आप लोग काफ़ी दिन से पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो आज बता ही देते हैं। तो कल या परसों में हम जाएंगे दूसरे वाले स्टूडियो पे और वहाँ पे देखो कैसा रिकॉर्डिंग होता है, क्या नहीं, म्यूज़िक बनेगा उसका, रिकॉर्डिंग होगा उसका, फिर म्यूज़िक वीडियो जो है वो आएगा। तो तब तक आप लोग बने रहो भाई और ऐसे ही प्यार सपोर्ट आप लोग बनाए रखो। और यहाँ देखो भाई साहब अभी धूप था फिलहाल, अब देखो काले काले बादल आ गए हैं और बूंदाबांदी चालू हो गई है। पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, यहाँ देखो बूंदाबांदी चालू हो चुकी है भाई। वाह क्या अलग सीन हो रहा है। अरे मत बरसो, ठीक है। दादी ने देखो फटाफट अपना चूल्हा उल्हा सब बंद कर दिया इसको, ताकि इसमें पानी ना जाए। हाँ दादी, अच्छा अगर बरसेगा तो धान को दिक्कत है ना? नहीं दिक्कत है। अरे करिया भाग, बारिश हो रही है। नहीं हो रही है। अरे लग जाएगा, अरे मारना मत, लग जाएगा। देख तेज होने लगी, देख देख तेज होने लगी, भाग। काम मोट मोट पड़ता। अरे ये देखो भाई साहब क्या खतरनाक बारिश होने लगी। अरे खोलो फटाक से, वो कहाँ बेचारी भीग जाई। भाग्या 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 भाग्या। अरे 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 मेमने, चल घर में जा। करिया नहाएगा? नहाएगा नहीं नहाएगा, क्यों? साफ तो बोल दिया अगर कुछ। यार ये मौसम काफी बेकार रहता है वक्त। तो भाई साहब अभी शाम के बज रहे हैं 5:30 और फिलहाल अभी बारिश रुक चुकी है। तो अभी मैं जा रहा हूँ एक्चुअली चौराहे पे, मेरी छोटी वाली बहन को थोड़ा सा सर्दी और बुखार हो गया है, तो फिलहाल जा रहे हैं उसके लिए भी दवा लेने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ और फिलहाल फैसल, चलो फटाफट निकलते हैं और लेके आते दवा भाई। तो भाई साहब फिलहाल अभी हम आ गए चौराहे पे और दवा वा ले लिए, फिलहाल अभी लेके निकलते हैं इसको फटाफट घर पे। चलो भाई, चलो भाई साहब, चलो घर पे चलो। क्या भाई साहब क्या हो रहा है? ओ देख क्या हाल है करिया, क्या कर रहा है, बोल दे। गुस्सा हो गया पता नहीं क्यों भाई, सब लोग सोने होने जा रहे भाई साहब। वाह एक्चुअली रात में लाइट नहीं रहती, बहुत प्रॉब्लम होती है शूट करने में, ये तो फ्लैश से काम चलाना पड़ रहा है इसके, बताओ। और ये डबल बेड बना हुआ है भाई, दो तख्ता लगा हुआ है, ये डबल बेड है, बाकी सब पूरी फैमिली इस पे। और भाई सब यहाँ देखो टोपी उपी लगा के सोया, इसको देखो जैसे लग रहा मर गई है, ऐसा सोई है देख लो। वाह टोपी उपी लगा के सोया है वो तो, हाँ तो बेचारी से मर गई है ऐसा सोई है। तो भाई साहब फिलहाल अभी मैंने खाना वाना खा लिया है और बिस्तर सपना फिलहाल जो भी लगा लिया है, तो चलो इस ब्लॉग का ही पहन करते हैं। आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल पे न्यू भाई साहब सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।